हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऑब्जेक्ट को किस तरीके से अनरियल में ले जाएंगे विद टेक्सचर के साथ, वो प्रोसेस मैं बताऊंगा। दोस्तों, इसमें बहुत से टिप्स मैं बताने वाला हूं कि आपको अनरियल में अपने पूरे प्रोजेक्ट्स को ले जाना हो, जैसे ये मेरे पास पूरा एक सिटी है, इसको ले जाना है विद टेक्सचर के साथ, जितने भी मटेरियल लगे हुए हैं और शेडर्स लगे हुए हैं, टेक्सचर्स लगे हुए हैं, उसको ले जाना है अनरियल में, तो किस तरीके से ले जाएंगे। तो इस वीडियो में मैं पूरा ब्रीफ करूंगा, जैसा शेडर लगा हुआ है वैसे ही आपके अनरियल में पहुंच जाए, किस तरीके से एक्सपोर्ट करेंगे और क्या क्या सेटिंग रखेंगे, वो सब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ब्रीफ करूंगा। सो दोस्तों, देखिए ये मेरा एक सेट है, इसको मैंने पूरा इस तरीके से, इसके कुछ मटेरियल्स मैं दिखाता हूँ जो लगे हुए हैं इसके ऑब्जेक्ट के ऊपर, जो मटेरियल्स लगे हुए हैं इस तरीके से, मटेरियल्स लगे हुए हैं, AI स्टैंडर्ड लगे हुए हैं, ब्लिन लगे हुए हैं, लैम्बर्ट लगे हुए हैं, इस तरीके मटेरियल हैं, उसके अंदर टेक्सचर्स भी अप्लाई हो रखे हैं। तो इन सभी टेक्सचर्स को और मटेरियल्स को किस तरीके से ले जाएंगे, मैं वो प्रोसेस बताऊँगा। तो पहले मैं ऐसे ही इसको बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरा है उसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, FBX में इसको पूरा जो सेट है उसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। तो मैं FBX में करूँगा, तो यहाँ पे देखेंगे मेरा FBX का भी प्लगइन जो है इनेबल नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग प्लगइन को इनेबल कर लेंगे, विंडो में जाएंगे और यहाँ प्लगइन मैनेजर में जाएंगे। प्लगइन मैनेजर के अंदर जब हम लोग सर्च में FBX टाइप करेंगे तो ये देखिए दो हमारे फिल्टर होके आ गए, एक FBX का प्लगइन आ गया और दूसरा है गेम एक्सपोर्टर, इसके अंदर भी हमारा FBX मिलता है। तो दोनों को मैं चेक कर लूँगा, उसके बाद मैं जब इसको एक्सपोर्ट करूँगा तो मेरा यहाँ पे इनेबल हो जाएगा प्लगइन। तो प्लगइन को इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इनेबल करते हैं। उसके बाद मैं पाथ दे दूँगा एक अपना, जनरली जो पाथ देते हैं कहीं पे अपने ड्राइव पे, इसको दे दीजिए पाथ। मेरे सेट में एनिमेशन नहीं है तो मेरे को एनिमेशन का कोई भी पैरामीटर्स नहीं चाहिए, बस मेरा जो है एम्बेडेड मीडिया चाहिए, क्योंकि मेरा जो टेक्सचर्स है वो अवेलेबल रहना चाहिए। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, जो हमारा FBX एक्सपोर्ट हो रहा है इसमें मैं रखूँगा जो मेरा माया की एक्सटेंशन है ASCII है वो रखूँगा, और ये FBX 19 रख लूँगा 2019, और उसके बाद मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। तो ये मेरा कुछ प्रोसेस हो रहा है, सभी नोट्स जो हैं और पूरा ऑब्जेक्ट है उसको एक्सपोर्ट होने में कुछ टाइम लगता है, तो ये एक्सपोर्ट हो रहा है। देखिए दोस्तों, अब मेरा एक्सपोर्ट हो चुका है और एक हमारा वार्निंग मैसेज का पैलेट खुल के आ चुका है, कि इसमें देखिए बहुत से वार्निंग मैसेजेस दे रखे हैं। मेन हमारा तीन वार्निंग मैसेज दे रखा है, उस तीन वार्निंग मैसेज को अलग अलग सेक्शन में कैटेगराइज कर रखा है। तो जो मेरा लास्ट वाला ये देखिए सेलेक्ट कर रखा है, तो इसमें भी बहुत से वार्निंग मैसेज है, इस जनरल सा है, कुछ एरर नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। नोट्स के बारे में और एनिमेशन बेक और इसके जो शेडर्स हैं, और यहाँ पे देखेंगे तो हमारे नेमिंग कन्वेंशन बहुत ही गलत तरीके से दे रखा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग अनरियल में जाएंगे, तो यहाँ पे देखेंगे अनरियल का जो हमारा सेक्शन खुला हुआ है, हम फिल्म एंड वीडियो लाइव इवेंट को सेलेक्ट करेंगे और हम लोग अपना एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे अनरियल में। तो मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ और इसको ओपन करता हूँ। तो अपना इस तरीके का, अगर आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट ओपन है अनरियल प्रोजेक्ट सेट है तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसी में एक्सपोर्ट कर लीजिए, बट नए प्रोजेक्ट में आपको चाहिए तो नया एक प्रोजेक्ट बना लीजिए। तो मैं एक प्रोजेक्ट बना के और इसको ओपन करता हूँ। सो दोस्तों, ये मेरा अनरियल ओपन हो गया, इसको थोड़ा सा टाइम लगता है इसके इंजन को प्रिपेयर होने में। तो ये मेरे शेडर्स और जो भी अनरियल की प्रिपरेशन है बैकग्राउंड में वो कर रहा है, और ये देखिए मेरा ओपन हो के अनरियल आ चुका है। अब मैं जो मेरा सेट था उसको इंपोर्ट करूँगा, ठीक है। तो जो मेरा स्केलिंग साइज है थोड़ा बड़ा रख लेता हूँ, क्योंकि मैंने माया में जो यूनिट सेटअप था वो सेंटीमीटर में था और जो अनरियल है वो हमारा मीटर में काउंट करता है, ठीक है। तो मैंने इसको 10 times स्केल कर लिया कि जो मेरा ऑब्जेक्ट आएगा इम्पोर्ट होके वो आएगा मेरा स्केल होके, बड़ा होके दिखेगा सीन पे, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे जो फाइल इन्फॉर्मेशन में देखेंगे हम लोग, तो हमारा FBX का देखिए यहाँ पे मैंने जब एक्सपोर्ट किया था तो यहाँ पे वो सभी चीज़ें बता रहा है कि मेरी माया की फ़ाइल है, 2018 की फ़ाइल है, और FBX कौन सा एक्सपोर्टर हमने यूज़ किया है, तो वो सभी चीज़ें बताता है यहाँ पे आपने क्या क्या। और यहाँ पे देखिए ये जो है मेरा फाइल का यूनिट था यहाँ पे सेंटीमीटर में था, ठीक है ना। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, तो ये मेरा जो सीन है 10 times बड़ा हो गया।
तो ये जनरली बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, जो मेरा फाइल इंफॉर्मेशन होता है कि कौन सी फाइल आप यहाँ पे ला रहे हैं और उसका साइज़ क्या है, और उसके बाद जो है अनरियल क्या सपोर्ट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन होता है दोस्तों, नहीं तो वहाँ पे छोटी साइज़ जो आपके सीन में रहेगा छोटे साइज़ में बनाए होते हैं, और यहाँ पे जब लाते हैं तो और छोटा साइज़ दिखने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे मीटर में काउंट करता है हमारा अनरियल, और इंपोर्ट कर लेंगे हम लोग। इंपोर्ट होने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि हमारा जो वहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स थे वो सभी कंबाइन नहीं थे, वो अलग अलग पीसेस में अलग अलग मैसेज में डिवाइड थे। ठीक है ना, तो उसको सभी को कैलकुलेट करेगा। तो ये सब प्रोसेस मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि कितनी चीज़ों को कंबाइन रखना चाहिए, जिस पे एक शेडर लगा हुआ है उसको कंबाइन कर लेना चाहिए, अलग अलग जितने भी शेडर्स लगे हों उतने ऑब्जेक्ट्स को आप कंबाइन कर लीजिए। अगर आपने एक ही तरीके के शेडर्स कई ऑब्जेक्ट पे लगा रखे हैं तो उन ऑब्जेक्ट्स को कंबाइन कर लीजिए। उससे क्या होता है, यहाँ पे बहुत ही ईजिली हम लोग उसको शेडिंग कर लेते हैं, नहीं तो हमें हर शेडर को शेड करना पड़ता है। ठीक है, ये मेरा इंपोर्ट हो चुका है। देखिए अब यहाँ पे देखेंगे तो अनरियल भी हमें कुछ वार्निंग मैसेजेस दे रहा है कि आप क्या क्या नोड्स आपके मिसिंग हैं, क्या क्या नोड्स रिमूव्ड हो चुके हैं। तो और यहाँ पे देखिए नेमिंग भी दिखा रहा है कि किस तरीके की नेमिंग आपने रखी हुई है। तो यहाँ पे जब इंजन में लाते हैं दोस्तों तो प्रॉपर नेम के साथ लाएंगे और क्लीन अप करके लाएंगे तो बहुत ईजी होता है इंजन को रीड करने में। इसलिए आप लोगों को दिखाया, क्योंकि मेरा जो सेट था ऐसे ही माया में बना हुआ था, बहुत से अननेसेसरी नोड्स और सभी ऑब्जेक्ट्स के नेमिंग और नोड्स बचे हुए थे। तो ये देखिए कितना इंजन हमारा कंफ्यूज होता है, उतना ही टाइम करता है रीड करने में। तो ये सब चीज़ें आप क्लीन करके लाएंगे, मैं बताऊंगा नेक्स्ट पोर्शन में कि किस तरीके से क्लीनिंग प्रोसेस को हम लोग रखते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये हमारे सभी ऑब्जेक्ट्स शेडर्स और एक ही बार सभी चीज़ें एक ही फोल्डर में आ चुके हैं। अब मेरे को चाहिए क्या, जो मेरा ऑब्जेक्ट है वही मेरे को सिर्फ दिखाई दे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कॉर्नर में इस तरीके का एक बटन है, इस पर क्लिक करूँगा तो स्टैटिक मैश, इस पर क्लिक करूँगा तो सिर्फ मेरा जो है फिल्टर होके मैश आ जाएगा। जितने मैश लगे हुए हैं या जितने मैश अवेलेबल हैं इसके अंदर वो सभी आ जाएंगे। तो ये मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, ऊपर तक मैं ड्रैग करके सभी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके और अपने व्यूपोर्ट पे ऐसे ड्रैग कर लूँगा। तो ये देखिए थोड़ा टाइम ले रहा है, और देखिए एज इट इज़ मेरा जो ऐसा सीन था माया में उस तरीके से इम्पोर्ट हो गया। दोस्तों देखिए कितना प्यारा सा हमारा लुक आ रहा है अनरियल में। अनरियल की लाइटिंग बहुत ही सॉफ्ट होती है, बहुत प्यारी लाइटिंग होती है। अभी मैंने कुछ लाइट नहीं लगाया, लेकिन उसके बावजूद देखिए जो हमारी लाइटिंग है कितनी प्यारी आ रही है। अब देखिए दोस्तों मैंने ग्राउंड को सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारे ग्राउंड में कोई टेक्सचर नहीं आ रहा है, और माया में देखूंगा तो यहाँ पे वो टेक्सचर शो कर रहा है। जितने भी हमारे टेक्सचर्स लगे हुए हैं वो यहाँ पे शो कर रहे हैं माया में, बट अनरियल में हमारे टेक्सचर शो नहीं कर रहे हैं। ये देखिए ये क्या रीज़न है दोस्तों, हमने टेक्सचर के साथ एम्बेडेड मीडिया भी किया हुआ था, उसके बाद भी हमारा टेक्सचर नहीं इम्पोर्ट हो रहा है। क्या ऐसी क्या प्रॉब्लम आ रही है कि हमारा टेक्सचर जो है आ नहीं रहा है। यहाँ पे हम लोग देखिए हाइपर सेट में मैं देखूंगा इस बिल्डिंग के मटेरियल्स को, तो ये देखिए यहाँ पे AI स्टैंडर्ड सरफेस लगा हुआ है, बट हमारा टेक्सचर जो है इम्पोर्ट नहीं हुआ। ठीक है ना, वो क्यों नहीं हुआ सभी प्रोसेस मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि क्यों हमारा टेक्सचर अनरियल में नहीं गया, अनरियल में टेक्सचर के साथ हम लोग किस तरीके से जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।